एक बिल्ली को पढ़ना बहुत पसंद था। रात में जब सब लोग सो जाते तो वो अपने चश्मे उतारकर एक किताब पढ़ा करती थी जिसका नाम था बिग बुक फॉर कैट्स, मतलब बिल्लियों के लिए बड़ी किताब। एक बार उसने पढ़ा, यदि आप रात के खाने के लिए माउस यानी कि चूहा चाहते हैं, तो ये कविता बोलें। इस घर में है एक चूहा, कहाँ है चूहा, कहाँ है चूहा। बिल्ली ने ऊपर देखा तो उसे एक चूहा दिखा। बिल्ली उस चूहे पर कूद गई, लेकिन चूहा स्विश करके भाग गया। फिर बिल्ली चूहे पर कूदी, फिर चूहा स्विश करके भाग गया। बिल्ली ने फिर कविता गाई। इस घर में है एक चूहा, कहाँ है चूहा, कहाँ है चूहा। फिर बिल्ली ने चारों ओर देखा और उसे फिर से वही वाला चूहा दिखा। चूहा बिल्ली के ही बिस्तर पर बैठकर उसे चिढ़ा रहा था। हेलो बिल्ली मौसी। और चूहा हंसता हुआ भाग गया। बिल्ली ने गुस्से में कहा, नटखट चूहे रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बिल्ली फिर चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ी और चूहा स्विश करके भाग गया। अब बिल्ली खुद दरवाजे के पीछे छिप गई। उसने वहाँ से कविता गाई। इस घर में है एक चूहा, कहाँ है चूहा, कहाँ है चूहा। चूहा इस बार फिर आया, लेकिन बिल्ली को देख ना पाया। ऐसे में बिल्ली ने दाव मारा और चूहे को उसकी पूंछ से पकड़ लिया। लेकिन चूहा भी था समझदार। उसने बिल्ली से कहा, अरे बिल्ली मौसी, वो देखो तुम्हारे पीछे कुत्ता। बिल्ली कुत्ते का नाम सुनते ही डर गई और चूहे को वहीं छोड़ दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। चूहा फटाफट अपने बिल के पास गया और हंसते हुए कहा, हा 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 हा, बिल्ली मौसी, ये तो बस मेरी एक चाल थी। मैं भी आपकी तरह रात में किताब पढ़ता हूँ जिसका नाम है बिग बुक फॉर माउस। और चूहा हंसते हुए उसके बिल में घुस गया।